सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। सक्करदरा तालाब की अव्यवस्था को लेकर युवक कांग्रेस ने किया विरोध में प्रदर्शन। जर्मनी के KFW टीम ने ली मेट्रो के कार्यों का जायजा। समृद्धि महामार्ग के नाम पर भाजपा सेना न हो झगड़े। अब खबरें विस्तार से। सक्करदरा तालाब की अव्यवस्था को लेकर युवक कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। सक्करदरा तालाब सालों से दक्षिण नागपुर के आकर्षण का केंद्र रहा है। उद्यान होने के कारण पर्यटकों को यहां तांता लगा रहता है, लेकिन आज सक्करदरा तालाब की दुर्दशा काफी गंभीर और गंदगी के कारण बना है। नागरिकों को यहाँ आने में कतरा रहे है। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के कार्यों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को KFW वित्तीय संस्था के प्रतिनिधि मंडल नागपुर पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायक प्रो जोचिम नांगेल ने किया। इस दल में KFW के अधिकारियों के अलावा जर्मनी के वरिष्ठ मीडिया समूह के सदस्य भी शामिल थे। समृद्धि महामार्ग के नाम पर भाजपा सेना के न हो झगड़े। नागपुर विदर्भ से जाने वाली नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग का किसका नाम दे, इसे लेकर शिवसेना व भाजपा में विवाद शुरू हुआ है। भाजपा व शिवसेना दोनों विदर्भ विरोधी ही है, इसलिए इस महामार्ग के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अथवा शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे, इसमें किसका नाम विदर्भ राय आंदोलन समिति संयोजक राम नेवले ने की है। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।